आदरणीय द्रोणाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी न्यूज पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी मेरी ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़े चलो हिंदी की डगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार की कांटे भी देखना, फूल बन जाएंगे पद पर। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापिका, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम अंशिका गुप्ता है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज राष्ट्र हिंदी दिवस है। हिंदी भाषा सभी हिंदुस्तानियों की शान है। हिंदी भाषा एकता की पहचान है। इसके साथ ही यह सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। हमारी मातृभाषा हिंदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्र हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं कुछ पंक्तियों द्वारा स्वयं की अंतर मन की भावनाओं को आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ के रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़ के रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदी हिंदुस्तान का गौरव गाथा है। हिंदी हिंदुस्तान की गौरव गाथा है। हिंदी एकता की अनुपम परंपरा है। हिंदी जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया हो, जिसने काल को जीत लिया हो, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। नमस्ते, मैं खुशी कक्षा 9 की छात्रा आपके समक्ष एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं, मुकुट राष्ट्रभाषा के सिर पर शोभित इसके गहने हैं। मुकुट राष्ट्रभाषा के सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है, संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। Good afternoon everyone, myself Khan Pratap Singh of class 9th. I am presenting a role of Kabir Das on the occasion of Hindi Divas. Aisi vaani boliye man ka aapa khoy, auran ko sital kare aapaun sital hoy. Kabira aapaun sital hoy. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाघौ पाए, बलिहारी गुरु आप नौ गोविंदियो बताए। कबीरा गोविंदियो बताए। नमस्कार,
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापिका, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं शैलजा सरोज कक्षा 9 की छात्र हूँ। आज 14 सितंबर है, जिससे हम सभी भारतवासी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यह दिवस न सिर्फ एक भाषा का सम्मान है, बल्कि देश को एकजुट और एक सूत में बांधने का त्यौहार है। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये सब भ्राता है हिंदी, जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है। संस्कृत से ही संस्कृत हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। छोड़ के हिंदी अंग्रेजी बोले, बस इसी बात की है निराशा। सीखो अन्य भाषाओं को पर अपनाओ अपनी भाषा। दुनिया में बतलाओ सबको, हिंदी से हमारी शान है। संस्कृत से ही संस्कृत हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ। मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। मुझ में मीरा ने गाया और सूरदास ने लिखा मुझे। मुझ में मीरा ने गाया और सूरदास ने लिखा मुझे। मैं ही रचना राग गीत सुखदा और आनंदी हूँ। मैं ही रचना राग गीत सुखदा और आनंदी हूँ। मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। वह तुलसी की रामायण मुझसे ही चरितार्थ में। वह तुलसी की रामायण मुझसे ही चरितार्थ में। संत विद्वानों की वाणी पाकर मैं कृतार्थ में। संत विद्वानों की वाणी पाकर मैं कृतार्थ में। मैं ही तेलुगु तमिल मराठी पंजाबी और सिंधी हूँ। मैं ही तेलुगु तमिल मराठी पंजाबी और सिंधी हूँ। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ। मेरा भी सम्मान करो, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी हूँ। गांधी नेहरू ने मुझ में भारत के हित को पहचाना। गांधी नेहरू ने मुझ में भारत के हित को पहचाना। मैं ही गंगा, मैं ही यमुना, कृष्णा और कानंदी हूँ। मैं ही गंगा, मैं ही यमुना, कृष्णा और कानंदी हूँ। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ। भारत माँ के माथे पर मैं एक अकेली बिंदी हूँ। मैं एक अकेली बिंदी हूँ। मैं एक अकेली बिंदी। आप सभी के सामने कुछ पंक्तियाँ लेकर पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, कोई स्कूल की किताबों से यारों की टोलियों तक, जिनसे जो कुछ भी मैंने पाया है हिंदी भाषा ने, इन सब में अपना किरदार निभाया है। धन्यवाद। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। भारत में 70% से भी अधिक लोग हिंदी भाषा को बोलते एवं समझते हैं। भारत में तमाम राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में हिंदी भाषा को बोला एवं समझा जाता है। विश्व में 150 से भी अधिक स्कूलों में हिंदी भाषा को
पढ़ाया जाता है। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को सम्मान को बढ़ाना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जिया मौर्या कक्षा 10वीं की छात्रा आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। संस्कृत की एक लाडली बेटी है हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्वनी है और अनूठी है ये हिंदी। पाती है प्रवास में परिचय का सूत्र है, मैत्री को जुड़ने की सांकल है हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, सुगम है, साहित्य का असीम सागर है हिंदी। तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि के सागर की गागर है ये हिंदी। वागीश्वरी के माथे पर वरदहस्त है, निश्चय ही विंदनी माँ सम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है हिंदी। यूँ तो देश में अनेक भाषाएं हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। ये मेरी हिंदी, ये है मेरी हिंदी। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं सलोनी सिंह कक्षा 10वीं बाकी छात्रा आज आप सभी के समक्ष इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी को वनवास दे, अंग्रेजी को राज, हमने 70 साल में कैसा गड़ा समाज, हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, पटरानी बनकर यहाँ इंग्लिश करती राज। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान और सम्मान। हिंदी सूर कबीर है हिंदी और हिंदी है रसखान, आओ सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं आकृति सिंह कक्षा 10वीं यहाँ की छात्रा आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहते हैं सब सीना तान, पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, रख पाते हैं हम इसका कितना ध्यान। 14 सितंबर को ही याद आता है हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान, क्यों भूल जाते हैं हम, करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों याद आता है हमें हिंदी बचाओ अभियान, क्यों भूल जाते हैं हम हिंदी का अपमान, करते हैं खुद हिंदुस्तानी इंसान, क्यों बस 14 सितंबर को हिंदी में भाषण देते हैं हमारे नेता महान, क्यों बाद में समझते हैं हम अपना हिंदी बोलने में अपमान। अरे ओ खोए हुए भारतीय इंसान, अब तो जगाओ सोया हुआ अभिमान, उठ खड़े होकर करें हम मिलकर प्रयास, दिलाएं अपनी मातृभाषा को पहचान, ताकि कहें फिर से हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी मेरा ईमान, हिंदी मेरी पहचान, हिंदू हूँ मैं, वतन है मेरा हिंदुस्तान। धन्यवाद। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, हिंदी हमारी दिल की भाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1939 को संविधान सभा में निर्णय लिया गया था कि भारत को राजभाषा हिंदी ही होगी। हिंदी निर्णय के महत्व देने के लिए, हर हिंदी का उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर 1939 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दरअसल हिंदी अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में गौरवमयी भाषा है। मैं आज जो कुछ भी हूँ मुझे हिंदी ने बनाया है, हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरा हमसाया है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ता ही चला जा रहा है, हिंदी का शौक आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। हिंदी की खुशबू आज अक्षरों को बगिया को महका रही है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है। आइए तो बोले हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। हिंदी कवित्री में से अमृता प्रीतम पंजाबी की कवित्री प्रचलित है। अमृता प्रीतम पंजाबी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक है थी। इनका जन्म पंजाब भारत के गुजरावल जिले में पैदा हुई थी। इन्हें पंजाबी भाषा की पहली कवित्री माना जाता है। इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी, जिन कविताओं की कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के सामने पेश कर रही हूँ। मुझे पल भर की आस के लिए आसमान को मिलाना था, मुझे पल भर के लिए आसमान को मिलाना पर घबराई हुई खड़ी थी, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ में से कैसे गुजरूंगी, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ में से कैसे गुजरूंगी। मैं आद्र का कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं हिंदी दिवस के अवसर पर महादेवी वर्मा द्वारा रचित अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी है झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे बेचारी को, पर वे चीची करती है, घर में तोवा नहीं रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल बिन, निज भाषा बिन ज्ञान के मिटत नहीं के कोसूल, अंग्रेजी पढ़ी के कदपि सब गुण होत प्रवीण, पौनिज भाषा ज्ञान के बिन रहत हीन के हीन। शुभ प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापिका, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं मुबशिरा सिद्दीकी आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हूँ। एक डोर में सबको जो बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है, भरी पूरी हो सभी बोलियाँ यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है, सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है, शब्दनाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है, गंगा कावेरी की धारा साथ पूरा पश्चिम कमल पंखुड़ी से तो बनाती हिंदी है। धन्यवाद। सारी आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक नमन करती हूँ। हिंदी को 14 सितंबर भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया, तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है, इसे देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा के रूप में लिखा गया है। धन्यवाद।